सो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक चीज़, जो कि हर एक लेडीज़, हर एक वुमेन, मैन, सबकी प्रॉब्लम है ये कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी, ड्राई, और उनमें नरिश बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एंड बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाते हैं एंड उनमें इतनी ज़्यादा मतलब ड्राइनेस आ जाती है कि हमें देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपने बालों को। तो उन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर आज की ये वीडियो है। या गाइस, बहुत हेल्पफुल है क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ का ऐसा रिव्यू देने वाली हूँ जो कि आपके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि उसका वन यूज़ में ही आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके वन यूज़ में। हाय गाइस, यहाँ पे लिवॉन सीरम। या गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, अगर आपने हेयर्स के लिए एक बेस्ट एंड वेरी अफोर्डेबल सीरम चाहते हो ना, तो या आप इस पर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं इसी का आपको फुल रिव्यू देने जा रही हूँ। ये है गाइस लिवॉन का एंटी फ्रीजी सीरम स्प्रे फॉर ऑल हेयर टाइप्स। एंड गाइस, इसकी बाहर की पैकेजिंग आपको देख सकते हो, इसकी सामने की पैकेजिंग कुछ इस टाइप्स की होती है। एंड इस साइड में आपको यहाँ बताते हैं एंटी फ्रीजी सीरम स्प्रे है गाइस ये, एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। तो यहाँ इसे हर एक हेयर टाइप्स वाला यूज़ कर सकता है। उसके साथ साथ में यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन है, प्लस इसके स्टेप बाय स्टेप इसे किस तरीके से यूज़ करना है वो मेंशन कर रखा है गाइस। इसे मैंने बाय किया था मिंत्रा से। या यहाँ पे इसका स्टिकर भी लगा है मिंत्रा का। उसके साथ साथ में गाइस, यहाँ पे इसकी डिटेल्स दी हैं। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो कोई इस टाइप का स्प्रे बॉटल होता है, सी दिस। एंड ये स्प्रे बॉटल बहुत ही सुंदर आपको मिलता है, आपके हेयर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता एंड पॉल्यूशन से बचाता है। विद गाइस, इसमें आपको मिलता है विटामिन ई एंड ऑर्गेनिक ऑयल, जो कि आपके हेयर्स के लिए बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपकी हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, डैमेज हैं, कुछ इस टाइप्स के हैं, इस टाइम आप देख सकते हो मेरे हेयर्स, मैंने भी वॉश नहीं किए हैं अपने हेयर्स को, एंड उससे पहले आप मेरे हेयर देख सकते हो कितने ज़्यादा बुरे हो रखे हैं। और मैं अपने हेयर्स से वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि इतने छोटे होने के बाद भी बहुत ज़्यादा कर्ली हैं एंड थोड़ी सी भी इनमें नरिशमेंट नहीं रह गई इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग स्प्रे वगैरह मुझे अप्लाई करना पड़ता है वीडियोज़ के कारण। तो या बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसे हमें यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले मैं अपना हेड वॉश ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है एंड वॉश करने के बाद जब आपके हेयर थोड़े गीले होना तभी आपने इसे अप्लाई करना है अपने हेयर्स पे। तो या बाद इस टाइप की स्प्रे बॉटल आपको मिलती है ना, तो इसे आपने अपने हेयर्स पे जस्ट स्प्रे कर लेना है। पहले मैं इस साइड करूँगी, उसके बाद मैं दूसरी साइड स्प्रे करूँगी। तो पूरे हेयर्स में स्प्रे करने के बाद जस्ट हम कॉम कर लेंगे एंड कॉम करने के बाद जब हम ये अपने हेयर्स को सुखाएंगे, जब ड्राई करेंगे, उसके बाद इसकी असली शाइन बाहर निकल के आएगी। या सुखाने के बाद कुछ इस टाइप्स के आपके हेयर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शाइनी। और आप यहाँ देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी स्ट्रेटनर नहीं अप्लाई किया है और फिर भी मेरे जो हेयर्स हैं कितने स्ट्रेट लग रहे हैं, और मेरे हेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, सीधे बहुत ज़्यादा कर्ली हैं। बट जब मैं सप्लाई करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं। या इतना अच्छा सीरम है ये, उसको ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हो मेरे हेयर की हालत, एक में आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा डैमेज है, कितनी ज़्यादा मतलब बुरा हाल है मेरे हेयर्स का, और एक तरफ आप देख सकते हो वॉश करने के बाद, इसे अप्लाई करने के बाद इतनी अच्छी शाइन, इतना अच्छा नरिश आ गया है मेरे हेयर्स में। इतना तो कंडीशनर लगाने के बाद भी नहीं आता है। और जब आप इसे अप्लाई कर रहे हो, ये नहीं मैं आपको कहूँगी, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास कंडीशनर नहीं है तो आप इसे शैम्पू अप्लाई करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। एंड सच्ची गाइस, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको इसकी यूजिंग में, और आपको इतनी अच्छी फ्रेगनेंस मिलती है ना, आपके हेयर्स में से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आने वाली है। एंड गाइस, ऑयली आपके हेयर बिल्कुल भी नहीं होंगे, सीधे आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे हेयर्स इतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं हैं, बट जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो या अच्छे दिखते हैं। एंड अगर आप नॉर्मली अपने हेयर्स की केयर चाहते हो एंड गाइस इसके साथ साथ एक नरिशिंग एंड शाइनी हेयर चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली बाय करना चाहिए। एंड या अगर आप बहुत बेस्ट एंड अफोर्डेबल सीरम लेना चाहते हो अपने हेयर्स के लिए, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके साथ साथ गाइस, का प्राइस मैं आपको नीचे मेंशन कर दूँगी, बहुत अच्छे इस टाइप के डिस्काउंट चल रहे हैं, आप इसे हर वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। फिर मैं इसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट ये लोकल मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाता है, क्योंकि ये इतना अच्छा बेस्ट सेलर्स में से मतलब ये सीरम है कि आप इसे हर शॉप, किसी भी शॉप से बाय कर सकते हो, बहुत ही ईजिली बाय हो जाएगा। ये नहीं मैं कहूँगी ऑनलाइन ही बाय कर सकते हो, यहाँ तक कि आप इसे लोकल शॉप पे बहुत आसानी से बाय कर सकते हो।
तो आप यहाँ पे मेरी हेयर्स देख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपने हेयर्स को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, स्ट्रेट दिखाना चाहते हैं, प्लस आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स में शाइन बनी रहे, उनके नरिश हमेशा बना रहे, स्मूथ रहे, एंड जो आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं ना, उनको भी रोकता है। प्लस आप बाहर जाते हो, अपने हेयर्स में पॉल्यूशन डैमेजिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपके पॉल्यूशन से भी आपकी हेयर्स की केयर करेगा। प्लस गाइज ये हेयर फॉल मतलब आपके रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके हेयर्स को हमेशा स्ट्रांग बना के रखता है कि बिल्कुल भी डैमेज ना हो सके। प्लस गाइज एक अच्छा नेचुरल शाइन आपके हेयर्स में बना रहे। ये नहीं कहूँगी बहुत सारे आपको सीरम्स मिल जाएंगे, बट एक अफोर्डेबल एंड बेस्ट सीरम ऑल हेयर टाइप्स आपको, ये मैं कहूँगी आपको लिवॉन का ज़रूर बाय करना चाहिए। और मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इससे पहले गाइस मैंने लॉरिया पेरिस के सिरम अप्लाई किए हुए हैं एंड उसका भी रिव्यू मैंने आपको दे रखा है, उसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली है। मतलब अगर आप उसका छोटा पैकेजिंग ले गए वो भी आपको 300 का मिनिमम मिलेगा, बट ये बहुत अफोर्डेबल है बहुत ज़्यादा। प्लस इसमें आपको जो स्प्रे बॉटल मिलती है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप मिनिमम स्प्रे कर लो एंड कॉम कर लो एंड थोड़ा सा ड्राई करो अपने हेयर को, एंड उसके बाद इतने अच्छे आपके हेयर्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्प्रे बहुत अच्छा लगा। आप भी अपने हेयर्स को एक नेचुरली शाइन स्मूथ एंड उन्हें हेल्थी रखना चाहते हो तो या आप ये ज़रूर बाय कीजिए एंड इसे यूज़ करके बताइएगा कि आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिले। तो या गाइज होप करती हूँ आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और ये सीरम अगर आप बाय करना चाहते हो तो लिंक नीचे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। नए आए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, रेड बटन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है। और ऐसी नई नई वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, उसके साथ बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ क्या होगा कि मैं न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है जब मैं अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो या गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।